किसी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो वृक्षों के कटने का किस्सा ना होता। विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं तथा अंग्रेजों ने ऐसे ही नहीं भारत को लूटा, यहाँ के गद्दारों ने उनका पूरा सहयोग किया था। यही नहीं, तमाम गद्दार इतिहासकारों ने इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर लिख डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि असली इतिहास गुम हो गया और झूठा इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। आज के समाज में प्रायः ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता दिखाई देती। उसका सबसे बड़ा कारण स्कूलों में पढ़ाया गया झूठा इतिहास है। भारत देश में अनेक स्थल है जिनका वास्तविक इतिहास गायब है, परंतु जब हम इन स्थानों तथा इतिहास का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करते हैं तो यह बात अच्छी तरह समझ आती है कि वामपंथी इतिहासकारों ने भी भारतीय हिंदू संस्कृति को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही स्थल पर आपको लिए चलते हैं जिसका इतिहास मुगलों और वामपंथी इतिहासकारों की भेंट चढ़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आगरा का ताजमहल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है तथा यह 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है। इतिहास में हमें यह पढ़ाया गया कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया, जिसे वह बहुत प्रेम करता था। इसे प्रेम की निशानी भी कहा जाता है। हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज को यहीं दफनाया भी गया था, परंतु स्कूल में यह पढ़ाया गया इतिहास 100% झूठ है। आइए प्रमाणों के साथ जानते हैं कि गद्दार इतिहासकारों ने किस तरह इतिहास को बदला और असली इतिहास है क्या। सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां की बेगम मुमताज की। कहते हैं कि शाहजहां मुमताज से बहुत प्रेम करता था, जबकि वह उसकी 13वीं बेगम थी। अगर यह प्रेम है तो उसने बाकी 12 बेगमों से कैसे निकाह किया, उनसे कभी प्रेम नहीं था क्या? अगर यह प्रेम है तो अय्याशी किसे कहते हैं? यह भी बताते चलें कि मुमताज की मौत बच्चे को जन्म देते समय मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 17 जून 1631 को हुई थी, और वहीं जैनाबाद में ताप्ती नदी के पूर्व में मुमताज को दफनाया गया था। यहाँ आज भी यह कब्र मौजूद है। यहीं पर उसने मुमताज की कब्र पर हाथ रखकर कहा था कि मैं तुम्हारी याद में ऐसी इमारत बनवाऊंगा कि दूसरी वैसी इमारत दुनिया में न होगी। कहते हैं कि इसके बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जिसे बनाने में 17 साल का समय लगा। यह भी बता दें कि ताजमहल से पहले इन स्थान पर महाराजा जयसिंह का भव्य महल था, जहां पर एक शिव मंदिर भी हुआ करता था। ताजमहल के निर्माण को लेकर इतिहासकार बताते हैं कि इसे बनाने के लिए ईरान से कारीगर आए थे, और इसे बनाने में इसका श्रेय वह अहमद लाहौरी को देते हैं। इतिहासकारों की यह बात भी झूठी मालूम पड़ती है, क्योंकि यदि ईरान के कारीगरों में इतनी काबिलियत थी तो किसी भी मुस्लिम देश में आज तक ऐसी इमारत क्यों नहीं बनाई गई, फिर चाहे वह ईरान ही क्यों ना हो। अगर ईरान के कारीगर इतने ही निपुण थे तो वहाँ ऐसी कोई इमारत आज तक क्यों नहीं बनाई गई। इसलिए यह भी बात तो झूठी ही मालूम पड़ती है कि ताजमहल का निर्माण ईरान के कारीगरों ने किया। कहते हैं कि ताजमहल बन जाने के बाद शाहजहां ने मुमताज बेगम को दोबारा ताजमहल में दफनाया, यानी कि मुमताज की मौत 1631 में हुई थी, उसके 17 साल बाद 1648 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। अब सवाल उठता है कि 600 किलोमीटर दूर से 17 साल पुरानी लाश आगरा कैसे लाई गई। इतिहास में मुमताज और शाहजहां के प्रेम का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता, यह केवल एक मनगढ़ंत कल्पना है। मुगल प्रेमी इतिहासकारों ने इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा कि लोग शाहजहां मुमताज को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा समझने लगे। इस पर फिल्में भी बन गई और यह झूठ आज तक जारी है। शाहजहां की 12 बेगमें और थी, उनके लिए तो एक छोटा सा मकबरा भी नहीं बनाया गया। और आपको बता दें कि शाहजहां ने मुमताज के जीवित रहते भी उसके लिए कुछ खास नहीं किया, और उसके मरने पर केवल उसके लिए आलीशान इमारत बनाना यह थोपा गया सबसे बड़ा झूठ है। मित्रों, ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला इत्यादि भी है। तो आखिर जब मुमताज को ध्यान में रखकर इस ताजमहल का निर्माण किया जा रहा था तो मृतक के लिए इन सब की क्या जगह बनती है और इन सब की क्या आवश्यकता है, यह भी बात समझ से परे है। और अब बात करते हैं असली इतिहास की। यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर पत्थरों से निर्मित ताजमहल
भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। अगर इसके असली इतिहास की बात करें तो ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, बल्कि वह पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसको एक इस्लामिक लुक देने की कोशिश की। प्रसिद्ध शोधकर्ता इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से और प्रमाणों के साथ ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां वास्तव में ताजमहल का निर्माता होता तो इतिहास में इस बात का जिक्र अवश्य होता कि फला तारीख या दिन को बादशाही ठाट के साथ मुमताज को ताजमहल में दफनाया गया। बताते चले कि मुमताज को ताजमहल में कब दफनाया गया, इसका कोई उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में नहीं मिलता। इतिहासकार ओक के अनुसार जयपुर के राजा से हड़प किए गए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। आपको बता दें कि शाहजहां के लिए मुमताज के कोई खास मायने नहीं थे, क्योंकि उसके हरम में हजारों सुंदर स्त्रियां थी। उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। ताजमहल में बनी कब्र नकली है। माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल पर कब्जा कर लिया और वहां की संपत्ति को हड़प कर लूट लिया गया और खजाना छुपाकर सबसे नीचे वाले माले में रख दिया गया, जो बहुत समय तक वही रखा रहा और वर्तमान में यहाँ क्या है यह कोई नहीं जानता। और कहते हैं कि इस नीचे तहखाने में भी एक शिवलिंग है जो आज भी मौजूद है। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के ऊपर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह कलश 1800 ईस्वी तक सोने का था और अब यह कांसे का है। ऐसे ही स्वर्ण कलश आज भी आपको तमाम हिंदू मंदिरों में देखने को मिल जाएंगे। इस कलश पर चंद्रमा बना है, साथ ही कलश व चंद्रमा मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाते हैं, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इतिहासकार ओक ने यह भी लिखा है कि जे ए मोंडलेस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष बाद वायोजेस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से किसी पर्यटन के संस्करणों में आगरे का उल्लेख तो किया है, परंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। कुछ लोगों का मानना है कि इस ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे, तो उनके कथनानुसार यदि 20,000 मजदूर 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते तो माउंट लेस्लो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख जरूर करते। ताजमहल के नदी की तरफ के दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े की अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है। ओक के मुताबिक ताजमहल का निर्माण 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से 500 वर्ष पहले ही हुआ था। ताजमहल के ऊपर कलश में नारियल तथा आम के पत्ते भी दर्शाए गए हैं। कब्र के ऊपर गुम्बद के मध्य अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकाल कर शाहजहां ने खजाने में जमा कर दिया, परंतु जंजीर वहीं लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटका दिया जो आज भी मौजूद है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि पूरी दुनिया में कब्रगाह को महल नहीं कहा जाता। महल शब्द भी मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि में एक भी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके नाम में महल लगा हो। बिसेंट स्मिथ अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपनी उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल भी ताजमहल ही था। ओक के अनुसार अब तक प्राप्त हुए सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमार्दिदेव के शासनकाल में 1155 में हुआ था। बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल को लूटा। पहले वाला ताजमहल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था। इसके 3 गुंबद हुआ करते थे और इसे तेजो महालय कहा जाता था। वर्तमान ताजमहल में लगभग 700 चिन्ह ऐसे खोजे गए हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी बाहरी मीनारें बहुत बाद में बनाई गई हैं। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक ग्रंथ में तेज लिंग का वर्णन है। ताजमहल में तेज लिंग ही प्रतिष्ठित था, इसीलिए इसे तेजो महालय कहा जाता था। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।